जब भी हम अपने व्हीकल के लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने जाते हैं तो हमसे ऐसा कभी नहीं पूछा जाता कि आप अपने व्हीकल के लिए कितने समय की इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहेंगे, क्योंकि हम सभी के मन में ये धारणा है कि शायद हमें व्हीकल्स की इंश्योरेंस एक साल के लिए ही लेनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। हम चाहें तो हम अपने व्हीकल के लिए शॉर्ट पीरियड इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले सकते हैं। इंडिया मोटर टैरिफ में आपको शेड्यूल GR12 मेंशन किया गया है, जहां पे आप शॉर्ट पीरियड इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम्स देख सकते हैं कि आपको अगर शॉर्ट पीरियड इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है तो एनुअल प्रीमियम का आपको कितने परसेंट पे करना होगा। मैं हूं आपके साथ नितिन पाल और आप देख रहे हैं इंश्योरेंस गुरु। तो फ्रेंड्स, अगर हम अपने व्हीकल के लिए शॉर्ट पीरियड इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो तुलना की जाए अगर एक साल की इंश्योरेंस पॉलिसी की, तो हमें शॉर्ट पीरियड पॉलिसीज जो है वो थोड़ी सी महंगी पड़ती हैं। इसीलिए हम शॉर्ट पीरियड पॉलिसीज को प्रेफर नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो है, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप चाहें शॉर्ट पीरियड पॉलिसी लेना तो आपको एनुअल प्रीमियम का कितना परसेंट पे करना पड़ेगा अगर आप छोटे पीरियड की पॉलिसी ले रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। ले चलता हूं मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे मैं डिटेल में आपको शेड्यूल GR12 के बारे में बताऊंगा। शॉर्ट पीरियड इंश्योरेंस कवर, आज का वीडियो इसी पे है। इंडिया मोटर टैरिफ में आपको शेड्यूल GR12 दिया गया है, जहां पे आपको बताया गया है कि आप कितने समय के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आपको एनुअल प्रीमियम का कितने परसेंट पे करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको आपकी स्क्रीन पे शेड्यूल GR12 दिखा रहा हूं। अगर आप यहां पे देखेंगे तो राइट हैंड साइड में मैंने कुछ परसेंटेज लिखी हुई हैं जो कि एनुअल प्रीमियम की परसेंटेज है। लेकिन फ्रेंड्स, यहां पे मैं आपको एक चीज़ यहां पे क्लियर कर रहा हूं कि ये जो परसेंटेज प्रीमियम की है ये सिर्फ बेसिक पे आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि जो पैसेंजर के रेट होंगे यानी PA या फिर CPA या फिर इसके अलावा अगर कमर्शियल गाड़ी है तो उसमें पर पैसेंजर रेट होते हैं, वो आपको ईयरली ही पे करने पड़ेंगे। ये सिर्फ जो आपको डिस्काउंट मिलेगा या फिर यूं कह लीजिए कि आपको जो 20% 30% या 40% प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, ये सिर्फ आपको बेसिक प्रीमियम पे ही लेस होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि अगर पॉलिसी एक महीने से कम की है तो हमें एनुअल प्रीमियम का 20% पे करना पड़ेगा, और एक महीने से दो महीने के बीच में है तो 30%, दो महीने से तीन महीने के बीच में हमें 40%, तीन महीने से चार महीने के बीच में 50%, और चार से अगर पाँच महीने के बीच में पॉलिसी लेते हैं तो 60% है, पाँच से छः महीने में 70%, और छः महीने से सात महीने में 80%, और सात महीने से आठ महीने के बीच में है तो 90%, और अगर हम पॉलिसी आठ महीने से ज़्यादा लेते हैं तो हमें फुल प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो रिकमेंडेड है अगर आप आठ महीने से ज़्यादा की पॉलिसी ले रहे हैं तो फिर आप ईयरली पॉलिसी ही लें। तो फ्रेंड्स, ये जो परसेंटेज है ये सिर्फ बेसिक प्रीमियम पे ही होगी। अब फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं शॉर्ट पीरियड का एक्सटेंशन या फिर शॉर्ट पीरियड के जो रिन्यूअल होंगे वो एज पर जो मैंने आपको परसेंटेज बताई उसी के हिसाब से होंगे। अगर आप तीन महीने, छः महीने या फिर उससे ज़्यादा की पॉलिसी लेते हैं तो जो मैंने आपको परसेंटेज बताई उसी हिसाब से आपको प्रीमियम्स पे करने पड़ेंगे। अब सेकंड है इसमें कि अगर आप शॉर्ट पीरियड लायबिलिटी पॉलिसी लेना चाहें, यानी कि थर्ड पार्टी पॉलिसी अगर आप चाहें कि तीन महीने या छः महीने के लिए लेना चाहें तो वो अवेलेबल नहीं है। अगर आप थर्ड पार्टी पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको 12 महीने की ही पॉलिसी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको GR12 शेड्यूल के बारे में बताया, जो कि इंडिया मोटर टैरिफ का एक शेड्यूल है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शॉर्ट पीरियड इंश्योरेंस पॉलिसी रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, इंश्योरेंस से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है या फिर वाहन से रिलेटेड कुछ पूछना है तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, जल्द एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।